दोस्तों, मैं ये जानने का इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे लिए राउंड में क्या है। मुझे लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम्हें जीवित कॉकरोच का एक पूरा झुंड मिलेगा। माफ करो, लेकिन तुम्हें फिर भी ड्रॉ करना होगा, और यह तुम्हें छोटी उंगलियों से करना होगा। इसकी मदद से चित्र बनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। यह अजीब है, लेकिन तुम्हें यह पसंद आएगा। यह मत भूलो कि तुम्हारे पास केवल एक मिनट है। समय शुरू हो चुका है। मुझे कॉकरोच बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी अपने ड्राइंग स्किल्स दिखाने होंगे। मुझे लगता है मैं इसे बहुत खूबसूरती से कर सकती हूँ। आशा है कि ऐसा ही हो, वरना मेरे पास कॉपी करने के लिए कोई नहीं होगा। अरे नहीं, मेरी पेंसिल टूट गई। अब मैं किस चीज से ड्रॉ करूंगी? अरे हाँ, मेरे पास एक शार्पनर है। मुझे उम्मीद है यह मेरी मदद करेगी। कितना बढ़िया है, अब मैं फिर से ड्रॉ कर सकती हूँ। शार्पनर के साथ क्या हो रहा है? अब मैं पेंसिल के छिलके से ढक गई हूँ, पर मेरी यह पेंसिल तेज हो गई है। अब केवल कागज से सभी छिलके को उड़ाने होंगे, ताकि जल्द से जल्द ड्राइंग शुरू हो सके। तुम क्या कर रही हो? अब मैं गंदगी में ढक गई हूँ। चिंता मत करो, मैं इनसे छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो। बेशक उसके बाद मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। वह क्या है, पेपर कहाँ से आया? जूली, क्या तुम फेंकना बंद कर सकती हो? इसे हटा। यह कैसा मजाक है जूली? क्या तुम नहीं समझती कि तुम मुझे चित्र बनाने से रोक रही हो? तुम देखो, मैं हर समय विचलित नहीं हो सकती। ठीक है, मैं सारा कचरा साफ कर दूंगी। अरे ड्रॉइंग कहाँ है? चुनौती कहाँ जल्द ही आ रहा है? तुम बिल्कुल सही कर रही हो, चुनौती खत्म हो गई है। यह दिखाने का समय कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। अरे नहीं, मेरी ड्राइंग चोरी हो गई। बेटा, तुम और बेहतर कर सकती थी। बहुत बुरा। मिला, तुम्हारा काम कहाँ है? यह नहीं चलेगा, तुम निश्चित रूप से नहीं जीतोगी। जूली, लेकिन तुमने मुझे खुश कर दिया। मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरी है। रुको लड़कियों, लड़ना बंद करो। तुम्हें क्या हुआ है? हालांकि मैं तुम्हारी समस्याओं को समझना नहीं चाहता, मेरे पास अपना काफी है। मिला, तुम्हें कॉकरोच मिलते हैं, यही नियम है। कितना भयानक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वे रेंग रहे हैं, ये देखो। मैंने एक साथ इतने सारे तिलचट्टे कभी नहीं देखे। देखो नीचे कुछ है, ऐसा लगता है कुछ बहुत ही शानदार है। वाह, ये एक अंगूठी है असली हीरे के साथ। वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। हाँ, एक असली सुंदरता। लड़कियों, इस बार तुम्हें और भी असामान्य पुरस्कार मिलेगा। क्या तुम्हें सी फूड पसंद है? क्योंकि तुम में से एक को यह घिनौना लेकिन बहुत प्यारा ऑक्टोपस मिलेगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और तुम कांच पर इन रंगों से ड्रॉ करोगे। मुझे आशा है तुम इसे कर सकते हो। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जब मैं छोटी थी, मैं अक्सर ऐसे रंगों से रंगती थी, इसलिए मुझे बस जीतना है। अरे नहीं, ये सिर्फ एक दाग जैसा दिख रहा है, हम इसे मिटाना होगा। हाँ, तुम इस तरह के काम को कैसे खराब कर सकती हो? अब मैं कुछ बहुत अच्छा बनाने जा रही हूँ। हो सकता है कि हमारा पुरस्कार एक बहुत ही डरावना ऑक्टोपस हो, लेकिन इसे प्यारा और बहुत सुंदर भी बनाया जा सकता है। हाँ, ये बहुत प्यारा है, देखो कितना सुंदर। मैं मिला से पूरी तरह सहमत हूँ। इसके अलावा ऑक्टोपस जितना बेहतर ड्रॉ किया जाएगा, असली वाला जीतने की संभावना उतनी ही कम होगी। चलो सुंदर लहरें बनाती हूँ। हाँ, इस तरह से। अरे नहीं, अब मेरे पास नीला रंग नहीं है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे उधार लेती हूँ तो मिला को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुमने मुझसे अनुमति मांगी? आओ देखे कि जब पेंट की यह बोतल हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती है, तो तुम्हें यह कैसा लगता है? यह एक प्रैंक है। ओ नहीं, यह क्या है? मैं इसे कैसे हटाऊं? सबसे पहले मुझे ड्राइंग खत्म करने की जरूरत है। वीटा, तुमने क्या ड्रॉ किया है? यह कुछ बहुत ही डरावना लगता है। कितना बुरा है। ऐसा बात करना बहुत ही खराब है, मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। टूटे हुए कांच के साथ तुम निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहोगे। नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऑक्टोपस नहीं चाहिए। हालांकि मजाक के लिए मैंने जिस ग्लू का इस्तेमाल किया, वह मेरी मदद कर सकता है। यह अच्छा आइडिया है,
मुझे आशा है कि मेरे पास पर्याप्त समय होगा। नहीं 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 नहीं, लड़कियों समय समाप्त हो रहा है, चित्र दिखाने का समय आ गया है। जूली तुम एक स्मार्ट लड़की हो, यह बहुत अच्छा निकला। मीटा लेकिन तुम्हारे कैनवास पर बस कुछ डरावनी है, दुर्भाग्य से यह नहीं चलेगा। मीला मुझे तुमसे भी और उम्मीद थी, तुमने कैनवास को तोड़ा कैसे, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है यह सही होगा यदि चुनौती के नियमों की परवाह नहीं करने वाले दोनों प्रतिभागियों को ऑक्टोपस मिल जाए। वीटा और मीला, ऑक्टोपस तुम्हारा है। ओह चलो खा लो, और मैं इसे देखूंगी और हंसूंगी। ओह चलो खाते हैं। ये बहुत ही घिनौना है, मुझे नहीं लगा कि इतना बुरा होगा। ओह नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती, ये बहुत डरावना है, ये वास्तव में घिनौना है। जूली तुम क्यों हंस रही हो, मैं किसी को मुझ पर हंसने नहीं दूंगी। बेटा मेरा सुझाव है कि तुम जूली को दिखाओ कि उसे हंसना नहीं चाहिए था, मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ। जूली यह पकड़ो, ये तुमने क्या किया, कितना घिनौना है। अब मेरे पास बालों की जगह टेंटिकल्स हैं, मैं इस बदबू को पानी से भी नहीं हटा सकती, मैं अब कैसे रहूंगी। तुम कितनी क्रूर हो। इस चुनौती का तीसरा दौर क्या होगा, इस बार तुम पुरस्कार के साथ भाग्यशाली हो, देखो कि तुम में से एक को कितना प्यारा सा कुत्ता मिलेगा, और तुम्हें फिर से कुछ बहुत ही असामान्य बनाना होगा। इस प्यारे छोटे कुत्ते की तरह दिखने के लिए खुद को तैयार करो, इसके लिए तुम्हारे पास फिर से एक मिनट है, जो पहले ही शुरू हो चुका है। मैं हार नहीं सकती, मैं वास्तव में कुत्ते से दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ, तो हमें जल्दी करने की जरूरत है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा प्यारा दोस्त हो। मैं कुत्ते की तरह मेकअप किया करती थी, मुझे नहीं पता था कि यह हुनर मेरे काम आ सकता है। लड़कियों का मेकअप बहुत अच्छा है, मुझे इसे ठीक करना होगा। तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। तो ऐसी बात है, फिर यह लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे चित्र बनाने से रोकने से क्या होता है। अच्छा तब तुम देखो, अब मैं तुम्हारा मेकअप धोने जा रही हूँ। तुम इतनी क्रूर क्यों हो। तुम क्या हो, डरावनी, अब तुम कुत्तों की तरह नहीं भूतों की तरह दिख रही हो, बस मुझे मत छूना। समय समाप्त हुआ, यह तय करने का समय कि इस कुत्ते का मालिक कौन बनेगा। बेटा यह भयानक है, बेबी तुम इसे नहीं देख सकती। मीला तुम्हारा बेहतर नहीं है, तुम्हारा मेकअप बेशक इतना डरावना नहीं है, लेकिन तुम अभी भी एक प्यारे कुत्ते की तरह नहीं दिख रही हो। जूली तुमने बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल सही, तुम्हें एक नया दोस्त मिलता है। हुरे, देखो वो कितना सुंदर है और प्यारा। तुम वहाँ क्या देख रहे हो। मुझे किसी तरह प्रतिस्पर्धियों से लड़ना पड़ा, और ऐसा क्या है जिसमें इतनी बदबू आ रही है। ओ नहीं, प्यारे कुत्ते ने यहाँ पॉटी कर दिया, कितना गंदा है। तो हमें कुत्ता मिल गया और तुम्हें केवल उसका कचरा मिला है, न्याय की जीत हुई। हेलो लड़कियों, इस दौर में एक शानदार पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, देखो क्या शानदार हार है, और तुम में से एक इसे प्राप्त करेगा, और तुम इन बोतलों से ड्रॉ करोगी जिनमें सीक्विन के साथ रंगीन ग्लू होता है, मुझे लगता है यह अच्छा होगा। समय शुरू हो गया है, चलो। ओके। मुझे पक्का पता है कि मैं इस हार की मालिक बनूंगी, बाकी लड़कियां इस स्थिति में फिट नहीं बैठती हैं। मैं इस बेवकूफ ग्लू को कैसे निचोड़ूं? सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं इसे कैसे हटाऊं? शायद दूसरों पर पेंट करना संभव होगा। नहीं, कुछ नहीं काम कर रहा है, क्या करें। जूली यह मजाक नहीं है, मैं अब तुम्हें दिखाती हूँ। ओह मुझे मत छुओ, मैं चित्र बना रही हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं जानती कि हार कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन दूसरों को भी नहीं पता होना चाहिए। मेला नाराज मत होना, लेकिन तुम्हें इस ग्लू की शक्ति को खुद महसूस करना होगा। सब कुछ एकदम सही चल रहा है, बस लाल ग्लू की कुछ बूंदों को जोड़ने की जरूरत है। बहुत अच्छा, यह क्या है, बोतल हाथ में क्यों चिपकी हुई है। जूली क्या यह सब तुमने किया है। मैंने नहीं, यह वीटा ने किया है। अच्छा तो उसे भी पता चलना चाहिए कि ग्लू कितना अच्छा है, लेकिन हाथ पर नहीं चेहरे पर, यह लो। मुझे लगता है उसे बहुत अच्छा लगेगा। मदद करो, इस डरावने चीज को मुझसे दूर करो। ओह अब मेरा आधा चेहरा नहीं है,
मुझे तुरंत अपनी भौहों को उसकी जगह पर लगाना होगा। मेला, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। रुको, समय खत्म हुआ। मुझे दिखाओ कि तुमने हमारे लिए क्या ड्रॉ किया है। बेटा, तुम फिर से किस्मत से बाहर हो। ये एक भयानक काम है। बस नाराज मत हो जूली, तुम बेहतर नहीं हो। लड़कियों, तुम्हें क्या हुआ? तुम ड्रॉ करना जानती हो। मेला, ये अच्छा है कि तुम मुझे हमेशा खुश करती हो। मुझे लगता है कि किसी को कोई संदेह नहीं है कि पुरस्कार जाता है मेला को। बधाई हो। वाह, क्या खूबसूरती है। अब मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनूंगी। जूली, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसे पहनने दूं? बेशक तुम चाहती हो, लेकिन मैं इसे वैसे भी नहीं दूंगी। ओह, तुम झूठी हो। फिर ये किसी को नहीं मिलेगा। ये तुमने क्या किया? अब मैं राजकुमारी की तरह नहीं लग रही हूँ। कितनी खूबसूरत थी। लड़कियों, तुम्हें अपने दुखी चेहरों को देखना चाहिए था। कोई हार उन्हें ठीक नहीं करेगा। इस बार तुम्हारा पुरस्कार बहुत अधिक ओरिजिनल होगा। क्या तुम इस प्यारे छोटे कुत्ते को देख रही हो? लेकिन इनाम वह नहीं है, बल्कि वह पूप है जो उसके पास है। इस दौर में तुम्हें फिर से अपने मुंह से ड्रॉ करना होगा, इसलिए अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। समय शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि पूप ड्रॉ करने से आसान कुछ भी नहीं है। ड्राइंग को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए तुम्हें एक गंध जोड़ने की जरूरत है, और मुझे यह भी पता है कि कैसे करना है। यह कैसी बदबू है? क्या यहाँ कोई मर गया है या कुछ सड़ा हुआ है? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उप्स, मैंने बहुत दिनों से अपने पैर नहीं धोए हैं। अपने पैर से चित्र बनाना मुश्किल है, लेकिन कोहनी के साथ ड्राइंग करना अधिक सुविधाजनक है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी ढेर सारे मार्कर हैं। अरे नहीं, नहीं। लड़कियों, चित्र बनाना बंद करो। यह दिखाने का समय है तुमने क्या बनाया है। देखो मेला, वो बेशक कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर देखा है। यहाँ जैसे कि सूजी का, यह बहुत सुंदर है। और जूली का पूप बस ऐसे ही है। यह स्पष्ट है कि वह हारना चाहती थी। तो फिर ठीक है, उसे असली पूप मिलता है। क्या? लेकिन सूजी ने मुझे बुरा महसूस कराया। मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। तुम्हें खाना ही होगा, यही नियम है। कितना भयानक। मैं सोचूंगी कि यह सिर्फ चॉकलेट है। क्या वो सचमुच पूप खा रही है? नहीं, यह वास्तव में चॉकलेट है। दोस्तों, क्या तुम्हें भी यह चाहिए? जी नहीं, धन्यवाद। इस राउंड में तुम्हारा पुरस्कार होगा मछली। बदबूदार और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं। तो इस बार तुम्हें सॉस के साथ ड्रॉ करना होगा। मुझे लगता है यह काफी मजेदार और असामान्य है। तो तुम शुरू कर सकती हो, समय निकल रहा है। मैंने पहले कभी सॉस से पेंट नहीं किया है। मुझे उम्मीद है मैं इसे खूबसूरती से कर सकती हूँ। वहाँ भी बहुत सारे हैं। मेरे पास अच्छा विकल्प होगा। लेकिन सारा कचरा मुझ पर ही क्यों? मैं क्या तुम्हें कोई डस्टबिन लग रही हूँ? मुझे भी लगता है कि शुरू करने का समय है। यह मेरे द्वारा बनाई गई ड्राइंग में से सबसे स्वादिष्ट ड्राइंग होगी। मैं केचप के साथ शुरू करूंगी। और मैं चीज सॉस के साथ शुरू करूंगी। यह पीला है, इसलिए इस बेकार मछली के लिए बेहतर होगा। तो चलो शुरू करें। हालांकि यह चीज सॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे इसके बदले जल्दी कुछ खोजना होगा। लगता है यह बहुत अच्छा बन रहा है।
अरे नहीं, सूजी की ड्राइंग भी मुझसे बेहतर है। मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास 5 उंगलियां हैं, जिसका अर्थ है 5 ब्रश, जिनसे एक ही समय में ड्रॉ कर सकते हैं। इस सॉस से स्वादिष्ट महक आ रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा खा लेती हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना स्वादिष्ट है। नहीं, ये काफी नहीं है, मैं और सॉस खाना चाहती हूँ। मिला, क्या तुम सॉस खा रही हो? लेकिन हमारे पास फ्राइज नहीं है। लगता है मेरा सॉस अब गया। नहीं, मेरे ड्राइंग पर नहीं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितना स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैंने सारी सॉस खा ली। अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। खैर, समय समाप्त हो गया है। यह देखने का समय है कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, सूजी के साथ चित्रों की अदला बदली। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जूली, तुमने क्या किया? यह मछली की तरह नहीं दिख रही। मिला, मुझे दिखाओ तुमने क्या ड्रॉ किया है। वाह, यह अच्छा लग रहा है। अब तक मैंने जो भी देखा है उनमें से सॉस का यह सबसे अच्छा चित्र है। सूजी, तुमने बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो मुझे तुम्हें यह मछली देनी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम कच्ची मछली खाना पसंद करोगी। मैं? पर क्यों? यह सही नहीं है। किसी को घटिया मछली खानी होगी। घटिया क्यों? इसे पकाया जा सकता है। मेरे पास एक बर्नर भी है। तुम क्या कर रही हो? माफ करना, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है। हाँ, इसे सीधे मछली की ओर करना होगा। देखो ये कितनी स्वादिष्ट मछली तैयार हुई है। आखिरकार मैं एक स्वादिष्ट लंच कर सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। लड़कियों, इस बार सबसे प्यारा पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यह प्यारी बिल्ली। इस बार कैट मेकअप करना होगा। जो बेहतर ड्राइंग बनाएगा उसे यह प्यारी बिल्ली मिलेगी। हमेशा की तरह तुम्हारे पास 1 मिनट है और यह शुरू हो चुका है। मैं खुद एक बिल्ली की तरह दिखती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सूजी, तुम अपने आप को ज्यादा महत्व दे रही हो। सभी को पता है कि मैं ही जीतूंगी। आईने के इस्तेमाल से किसी ने मना नहीं किया है, है ना? मुझे समझ नहीं आता कि कोई इसके बिना अच्छा मेकअप कैसे कर सकता है। उसके साथ ये बहुत आसान है। मैंने लगभग खत्म कर लिया है। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मेरा मेकअप सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया। मेला, देखो जूली चीटिंग कर रही है। वो आईने का उपयोग कर रही है, जबकि ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उसे सबक सिखाना होगा। बिल्कुल, और मुझे पता है कैसे। अरे तुम क्या कर रही हो? क्यों? सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। पर मुझे ये प्यारी बिल्ली अपने लिए चाहिए थी। मेरे पास एक आइडिया है कि एक प्रतियोगी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सुनो सूजी, तुम्हारे नाक पर कम मेकअप लगा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ चलो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो मुझे खुशी होगी। अब तुम बहुत बेहतर दिख रही हो। अब तुम बिल्कुल बिल्ली दिख रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे हमेशा से पता था कि हम दोस्त हैं। चलो अब देखें कि यह प्यारी बिल्ली किसे मिलेगी। जूली, तुम इसे बिल्कुल नहीं दिख रही हो। तुम्हें मेकअप की कोई समझ नहीं है। सूजी, तुमने क्या किया है? हम यहाँ पायरेट नहीं खेल रहे हैं। तुम, मेला, तुम कितनी दुष्ट हो। पर मेला का मेकअप बहुत ही प्यारा निकला, तो फ्लफी अब उससे दोस्ती करेगी। अरे, मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हें खिलाऊंगी और नहीं। लगता है कि मेला को बिल्ली से एलर्जी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद फजी को संभाल सकते हैं। अच्छी
ओ, बेला हर तरफ से लाल हो गई है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, है ना फ्लफी? सभी को हेलो, आखिरकार हम चुनौती शुरू कर रहे हैं और मैं अभी बदकिस्मत निकला, मुझे गम का सिर्फ एक पैकेट मिला है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। मेरे पास तो इसका पूरा गुच्छा है। एलेक्स, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम पहले अपना गम खा सकते हो। ठीक है, कम से कम कुछ अच्छा। मुझे हबा बबा बहुत पसंद है, खासकर बबल गम के स्वाद वाला। ये तुम क्या कर रहे हो? च्युइंग गम तुम्हारा है और मुझे कचरा उठाना है, अब तुम देखो। ओ, चलो गुस्सा मत करो, बेहतर होगा कि तुम देखो कि मैं कैसा बबल बना रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम बबल से खेल सकते हो? लेकिन इसके लिए तुम्हें इसमें मास्टर होना होगा। वाह, सच में बहुत बढ़िया। एलेक्स, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब गम चमाने की मेरी बारी है। सबसे पहले मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। मैं एक टेक्निक भी जानती हूँ जो मुझे बहुत मदद करेगी। वाह, बहुत बढ़िया। और अब उन्हें खाने का समय आ गया है। लिप वैक्यूम क्लीनर एक्टिवेटेड। अरे वाह, और अब देखो कि वास्तव में एक बड़ा बबल क्या होता है। ना, ऐसा कोई बबल नहीं रहने दूंगा जो मेरे से बड़ा हो। यह क्या किया? भयानक, तुमने न केवल मेरा बबल फोड़ दिया बल्कि अब मेरी भौहें भी निकल आईं। अब मैं कैसे रहूंगी? उन्हें वापस चिपका दो। ठीक है, मैं थोड़ा घबरा गई। अब ठीक है मिला, अब गम चमाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार रैपर से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक विशेष मशीन तैयार की है। वाह, बहुत ही प्रभावी तरीका। और अब इन्हें एक एक करके खा सकते हैं। क्या तुम वास्तव में शानदार बबल देखने के लिए तैयार हो? तो चलो चलते हैं। मेला, बस करो, ये बहुत बड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? मेरे पास एक आइडिया है। हमें बबल को गुलेल से फोड़ने की जरूरत है। एलेक्स, शूट करो। मैं ही क्यों? क्योंकि नहीं तो मिला अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। जल्दी करो। तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे खुद ही सब करना पड़ेगा। बेटा, तुमने अच्छा किया, पर अब हम मुसीबत में हैं। मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे चिड़ियों से दोस्ती करनी होगी। तुम लोगों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। ओह, मेरे पास केवल एक अनार है और मेरे पास पूरे पूरे 10 है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, जरा मेरे ढेर को देखो। लेकिन मेरा अधिक स्वादिष्ट है। मिला, तुम पहले खाओ। अरे, मुझे अनार बहुत पसंद है। जरा देखो कि इसके अंदर के बीज कितने स्वादिष्ट लगते हैं। हालांकि वे खाने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन इस तरह के छोटे ट्रीट्स के लिए मेरे पास हमेशा ट्वीजर होते हैं। ये स्वादिष्ट और सुविधाजनक है और अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं होगा। बेहतर होगा कि मैं बीज को एक प्लेट में रख दूं और फिर सब कुछ एक ही बार में खा लूं। हाँ, इस तरह से ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ठीक 120, ये बहुत अच्छा है। तो यह मेरे लिए पहले की तुलना में 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। हालांकि मेरे पास केवल एक अनार था, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। सबसे पहले अनार को खोलना होगा, यह आसान होना चाहिए। इसे तोड़ता हूँ। कितना भयानक। एलेक्स, अब तुम कितने खूंखार दिख रहे हो। खूंखार दिखना अच्छा नहीं है, लेकिन अब यह अनार तो बस कमाल का है, बहुत स्वादिष्ट। एलेक्स पागल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक स्वादिष्ट अनार खा रहा हूँ बस। बेटा, अब तुम समय बर्बाद मत करो और अपना अनार खाओ। बिल्कुल, अब ये मेरे ढेर सारे अनार खाने का समय आ गया है। मिला, मुझे चाकू चाहिए। हाँ, ये लो। सिर्फ अनार खाना बोरिंग है,
लेकिन उनमें से स्वादिष्ट जूस बनाना मजेदार से भी ज्यादा है। देखो मेरे पास कैसा जूसर है। वाह, इतनी बड़ी मशीन, एक बड़ा जूसर और ढेर सारे अनार से हम बहुत सारा जूस बना सकते हैं। बस उसे देखो, वो मुझे इसे जल्द से जल्द पीने के लिए कह रहा है। क्या ये स्वादिष्ट है? बहुत। अब तुम्हारे चेहरे पर भी पूरा जूस लग गया है बेटा। यह कोई समस्या नहीं है, हम इसे आसानी से और आराम से छुटकारा पा सकते हैं। अफसोस, मेरे पास कोला का केवल एक ही कैन है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। देखो मीला को कितने सारे मिले हैं। हाँ देखो, मेरे पास कोला के कैन का एक पूरा टावर है। लेकिन फिर भी मैं पहले पीऊंगी, कम से कम मैं किसी चीज में तो भाग्यशाली हूँ। कोला हमेशा स्वादिष्ट होता है। और इसके बाद पेट हमेशा बातें करता है। मुझे एक अच्छा आइडिया आया है कि कोला के अपने सभी डब्बे एक बार में कैसे पिया जाए। इसे खोलने की जरूरत है और उसके बाद मुझे एक विशेष स्ट्रॉ की आवश्यकता होगी जिसे मैंने हाल ही में बनाया है। वाह, यह अच्छा आइडिया है। आखिरकार कोला बहुत स्वादिष्ट होता है। ओ, लगता है कुछ बाहर आना चाह रहा है। यह डकार बहुत पावरफुल थी। तुम्हें क्या लगा, मैं भी कोई हस्ती रखता हूँ। और मुझे पेप्सी ज्यादा पसंद है और मुझे एक जार मिला भी है, कितना अच्छा। क्यों, अब सब कुछ गिर जाएगा। तो क्या, इसे गिरने दो, कम से कम अब मुझे ऊपर के लाइन तक नहीं जाना होगा। शर्त लगा लो कि मैं कोक के सारे डब्बे एक ही बार में पी जाऊंगी। हम तुम पर विश्वास करते हैं। बस हम पर कचरा मत फेंको। बिल्कुल, ये कैंस है और ये चेहरे पर पड़ने पर दर्द होता है। मुझे माफ करो, मैं बस रुक नहीं सकती। मेला, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने अपना पेट देखा है? हाँ, ये सब गैस है। अपने आप को बचाओ, अगर बचा सकते हो तो, ये एक इमरजेंसी है। मीला ने डकार मारी। ओ मीला, कोई और कोक नहीं। मुझे और नहीं चाहिए, यह मुझ में फिट नहीं होगा। मैं खाना चाहती थी लेकिन मुझे केवल एक पिज्जा मिला है, बड़े अफसोस की बात है। मुझे भी तुम्हारे लिए खेद है, लेकिन कितना अच्छा है कि मेरे पास बहुत पिज्जा है। तुम्हारे पास, तुमने मेरा टावर अब तक नहीं देखा है। देखो यहाँ कितना सारा पिज्जा है कि आसमान को छू रहा था। लेकिन सबसे पहले वही खाएगा जो सबसे कम भाग्यशाली है, वह है डायना। बस बहुत हो गया मजाक, मैं जानती हूँ कि मैं पहले खाऊंगी और इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। भले ही मेरे पास केवल एक पिज्जा है, फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट और गर्म है। जीजी स्ट्रेच को तो देखो, कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अरे अपना कचरा फेंका मत, देख कर फेंको। क्या फर्क पड़ता है, मुख्य बात है कि इसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है। बस वह करना बंद करो, बहुत हुआ, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुमने मेरे ऊपर क्रस्ट फेंका तो तुम्हें भी क्रस्ट ही मिलेगा। तुम बहुत मजाकिया हो, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ नहीं लड़ रहे हो। खैर, मेरा पिज्जा खाने का समय आ गया है। हाँ डायना, तुम बिल्कुल सही थी, पिज्जा अद्भुत है आइडिया। मैं जानती हूँ कि इसे सबसे अच्छे से कैसे खाया जा सकता है, इसे एक बरीटो की तरह रोल करके। अब यह सुविधाजनक और स्वादिष्ट दोनों है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि पिज्जा को सबसे तेज कैसे खाते हैं। ये बहुत अच्छा था। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति के मुंह में इतना फिट हो सकता है। बेशक यह हो सकता है, इसके अलावा इस तरह हम लगातार कई पिज्जा खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, अब क्या करें? अब तुम्हारा सारा पिज्जा हमारा हो गया और हम इसका आनंद ले सकते हैं।
मेरा पिज्जा कहाँ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उन्हें बेशर्मी से छुड़ाया है। चुप। हम पर चिल्लाओ मत, हम वास्तव में भूखे हैं। आखिरकार वो समय आ गया है जब मैं अपना पिज्जा को खा सकती हूँ। मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। बस टावर सरल नहीं बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज रह गया। सिर्फ एक टिक टैक, एक कैंडी कैसे खा सकते हैं? मेरे पास एक पूरा डब्बा है। देखो डायना के पास क्या है। हाँ मेरे पास बहुत है। ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये टिक टैक का एक पूरा विशाल पैक है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन लिली पहले खाएगी। मैं जानती हूँ, मेरा टिक टैक कोका कोला के स्वाद का है और मुझे कोला बहुत पसंद है। स्वादिष्ट लेकिन बहुत कम है। मैरी अब तुम्हारी बारी है। अरे मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार हूँ। ये गिर क्यों नहीं रहा है? ओह, जल्दी से मेरे मुंह में आओ। हाँ, मैरी ने अपनी सारी कैंडी गिरा दी। ऐसा कुछ नहीं है, वे मेज पर बिखरे हुए हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाया जा सकता है, मतलब स्ट्रॉ की मदद से। मैं खुश हूँ। बहुत स्वादिष्ट था। डायना अब केवल तुम ही बची हो। हुर्रे, आखिरकार मेरी बारी आ गई। ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ ये स्वादिष्ट है, शायद तुम इसे हमारे साथ साझा कर सकते हो। तुम्हारे पास कितने पैक हैं? साझा करना नहीं, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद ही इसे मजे से खाऊंगी। कितना खाने का मन है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि डायना से कम एक बॉक्स कैसे चुराया जाए। अगर मैं इसके दूसरी तरफ से ले लेती हूँ तो निश्चित रूप से उसका ध्यान नहीं जाएगा। मैरी अपना हाथ अब बढ़ाओ और ये टिक टैक खाओ। अरे तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरी कैंडी है। ठीक है तुम्हारे पास एक है, कुछ कैंडी गन फायर के लिए तैयार हो जाओ। ये लो। अरे बस करो, रुको, हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, रुक जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी कैंडी चुराने से क्या होता है। बिल्कुल, वो हम पर कैंडी की बौछार कर रही है, पर ये बहुत स्वादिष्ट गोली है। हम उन्हें अपने मुंह से पकड़ कर खा सकते हैं। ये शानदार आइडिया है। ये लो। मुझे लगता है कि मेरी गोली खत्म हो गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारा तो पेट भर गया।